Hello everyone, welcome to my channel which is Learning Institute, and today I am going to discuss wave velocity and the group velocity. तो wave velocity को हम phase velocity भी बोलते हैं. तो उससे पहले हम थोड़ा discuss करेंगे superposition principle को. तो superposition principle जो है वो आता है जब किसी medium में एक या उससे ज़्यादा waves एक साथ travels करती हैं, तो simultaneously अगर उसका measurement करेंगे तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो उन सभी वेव्स के डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के बराबर होता है. जैसे मान लीजिए कि बहुत सारी वेव्स हैं जिनका डिस्प्लेसमेंट अलग अलग y1 है, y2 है और y3 है, तो उन सबका रिजल्टेंट जो होगा वो इनके वेक्टर सम के बराबर होता है. यानी जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वाई वो किसके बराबर होगा, y1 प्लस वेक्टर y2 एंड प्लस y3, इस तरीके से. तो इसी रूल को हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. तो जो वेव्स होती हैं, जैसे ये कोई एक सिंगल वेव, ये कोई अदर वेव, ये कोई अदर वेव, तो इन सभी के रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट को जब हम निकालते हैं तो ये सभी इनके वेक्टर सम के बराबर होते हैं. तो हम बोलते हैं वेक्टर सम ऑफ ऑल द वेव्स ट्रेवलिंग इन एनी डायरेक्शन, ट्रेवलिंग इन एनी डायरेक्शन. तो ये रहा हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. इसको हिंदी में अध्यारोपण का सिद्धांत भी कहते हैं. तो ये 11th में पढ़ा है आप लोगों ने स्टार्टिंग में. इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, जब सिंगल वेव की बात करते हैं तो वो कुछ प्लेन वेव जैसा होता है. सो एक प्लेन हार्मोनिक वेव का एक क्वेश्चन हम लिख सकते हैं इस तरीके से, y = a sin ωt - kx. तो अगर हम एक सिंगल वेव की बात करें तो उसके इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, y = a sin ωt - kx. इसमें हम ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी और के होता है हमारा प्रोपागेशन कांस्टेंट. प्रोपागेशन कांस्टेंट और एक्स और टी हमारा आपका डिस्प्लेसमेंट है एट एनी टाइम टी, और ए को बोलते हैं एम्पलीट्यूड. और ये है एक तरह से डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन y = a sin ωt - kx. तो जो फेज वेलोसिटी या वेव वेलोसिटी होती है वो एक सिंगल वेव की वेलोसिटी होती है. तो वेव वेलोसिटी या फेज वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जिस वेलोसिटी से उसका फेज मूव करता है. तो फेज पार्ट कौन सा होता है, तो इस पार्ट को हम फेज बोलते हैं. ये जो पार्ट है वो क्या है, यही हमारा फेज पार्ट होता है, फेज पार्ट. क्योंकि सिंपली हम क्या लिखते हैं, सिंपल में हम लिखते हैं तो y = a sin ωt लिखते हैं, या सिंपली ये साइन ऑफ समथिंग है तो एक तरह से ये क्या है, एंगल है. तो इसको हम बोलते हैं फेज पार्ट. फेज पार्ट कॉन्स्टेंट होने का मतलब ये है कि ωt - kx = सिंपली कांस्टेंट. तो फेज पार्ट कांस्टेंट से क्या मतलब है, फेज पार्ट कांस्टेंट रहना मतलब ωt - kx हमेशा कांस्टेंट होगा. यहीं से हम निकाल सकते हैं वेव वेलोसिटी या फेज वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को. सो ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी वी गेट, ये हो जाएगा ωt - kdx/dt इक्वल टू, किसी कांस्टेंट का अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो वो ज़ीरो आता है. ये ओमेगा को हम उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा सिंपली kdx/dt इक्वल टू ओमेगा, या सिंपली dx/dt इक्वल टू ωk. ये एक वेलोसिटी टर्म है तो इसको हम लिख सकते हैं v, या यहाँ पे हम चूँकि फेज वेलोसिटी के लिए यूज करते हैं टर्म तो इसको हम यूज़ करते हैं vp. vp इक्वल टू हो गया ωk. तो ये रहा एक्सप्रेशन
फेज वेलोसिटी का या ग्रुप वेलोसिटी का, इसी को हम बोलते हैं फेज वेलोसिटी या ग्रुप वेव वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी। सो दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर फेज वेलोसिटी, जो कि एक रेशियो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी का और प्रोपागेशन कांस्टेंट का। तो ये एक एक्सप्रेशन देता है फेज वेलोसिटी या वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी। तो ये एक सिंगल वेव की वेलोसिटी के लिए है, लेकिन अगर जनरली क्या होता है कि जो वेव्स होती हैं वो एक पैकेट के रूप में चलती हैं, तो वहाँ पे वेव वेलोसिटी या फेज वेलोसिटी जैसा टर्म यूज़ नहीं होता, वहाँ पे एक नया टर्म यूज़ होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रुप वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी। ग्रुप वेलोसिटी इसको हम डिनोट करते हैं वीजी से, ग्रुप वेलोसिटी को जनरली हम वीजी से डिनोट करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो ग्रुप वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, जैसे अगर हम बहुत सारे जो वेव पैकेट के रूप में आते हैं तो उसमें काफ़ी वेव्स होती हैं, जैसे हमने उनका अध्यारोपण कराया था या सुपरपोजिशन कराया था, तो y इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू वाई थ्री। तो हम सपोज़ करते हैं कि केवल दो वेव्स अगर साइमल्टेनियसली ट्रेवल्स कर रही हों एक साथ और उनका कोई भी डायरेक्शन हो, हम सपोज़ करेंगे कि उनका अलग अलग डायरेक्शन है, तो हम किस तरीके से निकालेंगे उनकी ग्रुप वेलोसिटी को वो हम यहाँ देखेंगे। तो सपोज़ करिए कि ये एक वेव का है मोशन कुछ इस तरीके से, एक तरह से y1 हो गया और दूसरा कुछ इस तरीके से है। इस तरीके से ये सपोज करिए कि ये y2 है, इस तरीके से। तो ग्रुप वेलोसिटी क्या करते हैं कि किसी भी दो वेव्स को हम ले लेते हैं, एक वेव जो है वो जीरो से स्टार्ट कर रही है और एक वेव हमारा जीरो से स्टार्ट करके नीचे की तरफ आती है फिर ऊपर, तो एक तरह से दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, ये पॉजिटिव की तरफ बढ़ता है ये निगेटिव की तरफ से, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो इन दोनों के जो सुपरपोजिशन से जो वो मिलेगा हमें रिजल्टेंट, इसका उसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा वो जिस वेलोसिटी से जाएगा उसे हम बोलते हैं ग्रुप वेलोसिटी। सो मैक्सिमम एडवांस ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ एडवांस्ड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, उस वेलोसिटी को हम ग्रुप वेलोसिटी बोलते हैं। तो ग्रुप वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जो दोनों वेलोसिटी के रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन में जो एम्पलीट्यूड फैक्टर आता है उस एम्पलीट्यूड की जो वेलोसिटी होती है उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं ग्रुप वेलोसिटी। यानी उन सभी वेव्स का, जितनी भी वेव्स होंगी उन सभी वेव्स के रिजल्टेंट का जो एम्पलीट्यूड होगा उसकी जो वेलोसिटी होगी या वो जो पूरा ग्रुप होगा वो जिस वेलोसिटी के साथ है मीडियम में आगे बढ़ेगा उस वेलोसिटी को हम ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं। चलिए उसको फाइंड करते हैं। इसमें क्या होगा कि ज़्यादातर समय क्या होता है उसकी एम्पलीट्यूड हाई रहती है, ज़्यादातर समय वो डिस्ट्रक्टिव जोन में रहता है, बल्कि और कंस्ट्रक्टिव जोन में, जैसे वो जब बहुत सारी वेव एक साथ चलेंगी तो उनके एक समय पे एक जगह होने पर ही उनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आएगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो सारी वेव्स एक साथ चलेंगी तो वो कभी एक टाइम पे एक जगह होंगी जहाँ उनका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो। हमें दो तरीके का इंटरफ्रेंस मिलेगा, एक इंटरफ्रेंस होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस
स्ट्रक्चर का. सो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड कंस्ट्रक्टिव, नाम ध्यान से उतर गया था. तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, बहुत कम ही ऐसा रेयर चांस आएगा जहां हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिले, क्योंकि सारी वेव्स जब एक साथ होंगी तभी उनका जो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट हमें मिलेगा. ऑल टाइम और डिस्ट्रक्टिव में होंगी, सब अलग अलग जोन में होंगी. जब सारी वेव्स एक साथ एक डायरेक्शन में एक जगह पे पॉइंट करेंगी तो वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव होगा. तो इसका जो आता है वो कुछ इस तरीके से आता है नेचर. ये कुछ इस तरीके से होगा. तो ये यहाँ से जाएगा इस तरीके से, ठीक है. थोड़ा सा इधर उधर होगा तो आप बुक से देख सकते हैं इस तरीके के. तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिल रहा है यहाँ पे, और करीब करीब है यहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इधर की तरफ है. तो ये जो वेलोसिटी होगी यहाँ की, वही वेलोसिटी होगी हमारा ग्रुप वेलोसिटी. तो इसी वेलोसिटी के लिए हम चर्चा करेंगे. तो फिलहाल किसी दो के लिए हम दिखा रहे हैं, तो हमें निकालना पड़ेगा क्या, वाई इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू. तो हम मान लेते हैं कि जो दो वेव्स हैं उनका, दो प्लेन हार्मोनिक वेव्स का इक्वेशन होगा, फिर हम उनका सुपरपोजिशन कराएंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. मान लेते हैं कि जो एक वेव्स है उसका एम्पलीट्यूड है ए साइन ओमेगा वन टी माइनस के वन एक्स, और जो दूसरी वेव्स है उसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है ए साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा टू टी माइनस के टू एक्स. तो हम ले रहे हैं अलग 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 एंगुलर फ्रीक्वेंसी और प्रोपागेशन कॉन्स्टेंट्स की दो वेव्स को, फिर इनका हम सुपरपोजिशन कराएंगे और देन उसका वेलोसिटी निकालेंगे. सो y इक्वल टू y1 प्लस y2. y1 क्या है, a साइन ओमेगा वन टी माइनस के वन एक्स, एंड देन a साइन ओमेगा टू टी माइनस के टू एक्स, ठीक है. तो इनका हम सुपरपोजिशन कराते हैं, और सुपरपोजिशन कराने के बाद जो, तो पहले यहाँ पे हम क्या करें, पहले हम ए कॉमन ले लेते हैं, और अंदर का हमें मिल रहा है साइन सी प्लस साइन डी टाइप से. तो ये हो जाएगा एक तरह से टू टू साइन सी प्लस